वहीं ललितपुर कोतवाली थाना क्षेत्र में मानवता को एक बार फिर से शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक मोहल्ले में एक नाबालिग किशोरी ने अपने ही पिता, चाचा, ताऊ समेत कई नामचीन लोगों और 3 अज्ञात समेत 28 लोगों पर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि आरोपी उसके साथ कई सालों से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे रहे थे। कोतवाली पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और आरोपियों में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तिलक यादव का नाम भी शामिल है। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। मामला जो है ललितपुर शहर का ही है और कल रात एक लड़की ने तहरीर दी जिसमें उसने अपने पिता पर ही जो है शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है कि उसके पिता ने ही उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और न केवल अपने ही दुष्कर्म किया बल्कि अन्य लोगों से अपने साथ ला करके उसका शारीरिक शोषण करवाता था, जिस संदर्भ में कोतवाली में FIR दर्ज कर ली गई है और लड़की नाबालिग है और इस संदर्भ में जो है उसका मेडिकल परीक्षण भी कराया जा रहा है और 164 का बयान भी कराया जाएगा और जो अन्य लोगों के भी उसने नाम दिए हैं क्योंकि मामला पिता पुत्री का भी है और बहुत संवेदनशील मामला है। और वही हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMDNewsFlash।